मटन का रोगन जोश, ओ भाई भाई भाई, पीसेस बड़े बड़े हैं, बहुत प्यारे पीसेस हैं। दिस इज कश्मीरी दम आलू, ओ भाई पड़ जा कश्मीरी कीमा, मटन कीमा पड़ जा। सोचिए अगर मैं पालक मटन को रैंक करूंगा ना अपने हिसाब से, हैं ये तो हड्डी है, इतने मास है, हड्डी है। जितना मुझे ये एक दो तीन और चार इंप्रेस कर रहे हैं ना यार, तुमने शायद ये नहीं कर पा रहे मेरे को। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल दोस्तों। बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज जोमेटो से ना कुछ मंगवाने वाला है जी। भाई एक्चुअली स्टोरी ये है कि ये मेरे बहुत ही अजीज़ भाई नॉन बंदे हैं भाई, जिनसे आज मैं भाई खाना मंगवा रहा हूँ। भाई काफ़ी दिन से मुझे इन्वाइट कर रहे थे कि भाई हमारे पास आओ भाई खाना ट्राई करो, बट आपको पता ना यार मैं ऐसे सामने सामने पर जाकर भाई रिव्यू नहीं कर पाता यार। तो आज मैं ऐसा कस्टमर बन के ना भाई उनसे खाना मंगवा रहा हूँ भाई, यम्मी फूड के नाम से भाई जोमेटो भाई भाई क्लाउड किचन अवेलेबल है। तो आज हम इनसे ना कश्मीरी आइटम मंगवाएंगे भाई, वेज में भी और नॉन वेज में भी। तो जो ऑर्डर मैं मंगवा रहा हूँ ना, मैं अपनी आईडी से नहीं मंगवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानते अच्छे से ना यार, मैं अपनी वाइफ की आईडी से मंगवा रहा हूँ यार। चल पड़े हम अपना ऑर्डर लेने के लिए। भाई मेरे घर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी ये अपना, जहाँ मैंने लोकेशन अभी सेट कर रखी है भाई जोमेटो वालों के लिए। तो जी हमारा जो पार्सल है भाई ऑन टाइम पहुँच रहा है, ठीक है। अभी कितना 9 मिनट रहते हैं। हेलो, हाँ जी ब्रदर, स्कूल का जो गेट है ना, अब वहाँ पर आ जाओ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आगे सारा माल आ गया या कुछ और है? तो जी अपना माल आ चुका है, तो चलो जी घर पे अटैक करने। अपना माल आ चुका है, देख लो यार भाई, पैकेजिंग ऐसी है, इस तरह की है, ठीक है जी। भाई पहले मेरा प्लान था कि मैं बाहर गई भाई बगीचे में बैठ के रिव्यू करूंगा, बट गर्मी बहुत है यार। जी दिस इज वन डब्बा, टू डब्बा एंड भाई एट्थ डब्बा अलॉन्ग विद भाई नाइन्थ डब्बा। तो जी मटेरियल सारे हमने ओपन कर दिए, जो पैकेजिंग भाई ठीक है, अच्छी है, ठीक। अब मुद्दा ये कि इनके अंदर मैंने क्या क्या मंगवाया हुआ है, अब वो भी दिखा रहा है ना आपको। तो जी सब डब्बों की मैंने भाई अनबॉक्सिंग करके भाई रख दी है। भाई सबसे पहले डालते हैं जी मटन का रोगन जोश, ओ भाई भाई भाई, मसाला नीचे तेल ऊपर है, कोई चक्कर नहीं है भाई, देख लो यार भाई। चिकन साग, ओ भाई पड़ जाओ मलाई ढोल के पड़ जाओ भाई। दिस इज बोनलेस मटन, पालक पड़ जाओ भाई। भाई कश्मीरी कीमा, मटन कीमा पड़ जाओ भाई। भाई कश्मीरी पनीर रोगन जोश, ओ भाई पड़ जा, ओ भाई क्या पीस है यार, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बनाता हूँ यार। बढ़िया यार भाई। दिस इज मटन की यखनी, पड़ जा भाई पड़ जा, ओए 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 डुल गया भाई। दिस इज कश्मीरी दम आलू, ओ भाई पड़ जा भाई पड़ जा। तो लो जी सारा मटेरियल हमने भाई डाल दिया, ढोल दिया जी अपने अपने बर्तनों में। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे भैया यहाँ से भाई कश्मीरी मटन रोगन जोश। भाई ये एकदम भाई कश्मीरी पाटे स्टाइल, ठीक है जी। इसकी पहले ग्रेवी चेक की जाएगी भाई, ग्रेवी कैसे खाने में यार। अरे भाई वाह यार भाई, टिपिकल भाई कश्मीरी स्टाइल भाई, एकदम पाटे स्टाइल भाई मटन रोगन जोश है भाई। भाई इसमें कोई प्याज पूज नहीं डलता, इसमें कुछ नहीं डलता, कोई लहसुन वसन नहीं डलता इसमें यार। ये सिंपल वैसे होता है जैसे भाई भाई बड़ी गर्म मसाले, लाल मिर्च वगैरह। भाई फ्लेवर इसका बहुत ही जबरदस्त है भाई, ये जाबरा है, ठीक है भाई जाबरा। ये ना सोचना कि मेरे क्लोज वन है तो मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ ना, जब आप भी ट्राई करोगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा यार। हाँ भाई बहुत ही जबरदस्त है यार। हल्का हल्का तीखापन तो है ही है, क्योंकि तीखापन ऐसा नहीं है कि जो आपकी जुबान पे आपको अटैक कर दे यार, एकदम टेस्टी टेस्टी है। पहले हम खाएंगे जो जो टिपिकल टिपिकल कश्मीरी स्टाइल है भैया, टिपिकल टिपिकल भाई। दिस इज द कश्मीरी कीमा भाई, जिसे कहते हैं जी मस, इसे यहाँ रखेंगे यार। तो भाई भाई वाह यार भाई, ये भी बहुत फ्लेवरफुल है यार, ये भी भाई जाबरा है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही जबरदस्त है भाई ग्रेवी का यार। मटन रोगन जोश की ग्रेवी में और इसकी ग्रेवी में भाई स्लाइटली डिफरेंस है यार। भाई थोड़ा खटखटा बना इसके अंदर, हल्का हल्का खटखटा बना है, शायद दही का हो सकता है यार। भाई ये भी भाई जाबरा है यार, मजा आ गया खाने का जी। भाई मटन की यखनी यार, ये तो थोड़ा सा वो वाला है ना, क्या ऑयल, ये वो वाटरी वाटरी है, तो इसको हम ऐसे ही टेस्ट करेगा, ऐसे ऐसे ही। भाई वाह यार, यार अब मैं तो आपने शायद मेरे पे शक कर बैठोगे कि भाई ये वाह 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 पे वाह किया जा रहा है यार, भाई वाकई में वाह वाह ही हो रहा है यार। भाई यखनी बहुत ही फ्लेवरफुल है, जो मैंने यखनी बनाई थी भाई उसे फार 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 भाई ये बेटर है यार। कितने फार मैंने बोल दिया वो गिन लो आप। मैं चमचा जूठा नहीं करना, इसे साइड कर दो भैया। भाई ये जी पालक और मटन, हाँ चलो इसे लेके आते हैं, बोनलेस मटन को लेके आते हैं जी अपने प्लेट में यार। पहले मटन की स्थिति देखते हैं कैसी है। हाय बोनलेस ये यार, बोटियां बोटियां भाई मटन
भाई पिंकिश पिंकिश, देखो यार दो हाथ का प्रयोग हाँ, एकदम फ्रेश है यार। तो आ भाई पहले इसको पार्क देते पड़ गए सी यार। मुझे ऐसा डाउट क्यों हो रहा है यार कि जो पालक है वो कश्मीरी पालक नहीं है, ठीक है जी, जो कश्मीर से पालक आती है ना ये वाली पालक नहीं है। आई थिंक मैं भी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट इसका वैसा वो नहीं हो रहा क्या, जो एक माइंड को होता ना कि वो जो खाते हैं कश्मीरी पालक वैसा नहीं हो रहा यार। दोबारा चेक करें, दोबारा भाई गलत ना बोल दूं मैं यार। हाँ यार कि पालक मटन यार थोड़ा सा वो आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब कि जितना क्लिक ये जो कर रहे हैं ना मेरे को ये नहीं कर पा रहा है यार। भाई मटन की बोटी तो ट्राई करें भाई, देखते हैं क्या कैसा फ्लेवर आएगा बोटी के साथ में। ठीक है वही कह रहा हूँ, कितना वो नहीं है हाँ। तो जी अगर मैं पालक मटन को रैंक करूँगा ना अपने हिसाब से तो भाई ये जाबर भी नहीं है, जाबरा भी नहीं है, जबरानजा भी नहीं है, तो मैं इसे 8 नंबर दे सकता हूँ यार। ठीक है जी हाँ भाई, दिस इज द चिकन का पालक। हाँ भाई पालक पालक नहीं सॉरी चिकन साग, ठीक है जी हाँ। पहले साग देंगे, साग कौन सा है, साग पालक से बेटर है यार, बट जाबर जाबरा जबरानजा नहीं है, बट इसे फार फार बेटर है, तो ये 8.5 नंबर पे डिजर्व करता जी 10 में से यार हाँ। मतलब कैजुअल टेस्ट है समझे भाई बात, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट मुझे दे रहे हैं मेरी जुबान के ऊपर। तो जी मेन मुद्दा है जी, सबसे खतरनाक मुद्दा वो है जी भाई कश्मीरी दमालुओं का। आ भाई दमालू बह जा भाई, इसकी ग्रेवी भी इसी पे डोल दें जी रसमलाई की तरह। मुद्दा रहता जी आलू के फ्राई होने के तक ये, अरे यार वाकई में यार वाकई में नो डाउट दमालू का जो पहला इंप्रेशन आया जी वो बहुत अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया, ऐसा होना चाहिए दमालू, टूटने चाहिए हाथ से, बट ऐसे हाथ से ऐसे नहीं। भाई मजा आ गया जी, दमालू बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही स्वादिष्ट है, टिपिकल कश्मीरी पानी स्टाइल भाई दमालू है भाई, ये टेस्ट करना भाई बनता है अगर आप कभी मंगवाओगे अपने घर पे भाई, ये बहुत टेस्टी है। देखो मैं तो कहता हूँ तुम्हारे साथ, देखो इवन जब मैंने दमालू बनाया था ना कि भाई इतना भीतर नहीं गया था मसाला यार, देखो देखो है अंदर गया ना, देखो है या नहीं, ऑयल अंदर है ना, मसाला अंदर है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, भाई ये जाबरा है जाबरा हाँ। नाउ दिस इज द मैटर ऑफ द पनीर का रोगन जोश। भाई पनीर का रोगन जोश क्या कहता है, पनीर ही लिखा था, पूरा का पीस गड़बड़ होती है ना ऐसे। भाई इस पे डोलते हैं जी ये मसाला, इसे लेपो पोतो अच्छे से यार, पीसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बड़े बड़े पीसेस हैं, हम उसको ऐसे खाएंगे यार। बहुत फ्लेवरफुल है भाई, मसाला जो है आई थिंक इसी का यूज किया गया हुआ है, बट हुआ क्या है कि जो पनीर ने अपना एक फ्लेवर दिया कि इसकी करी में वो बहुत ही भाई जाबरा दी है भाई, पनीर भी मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, टिपिकल कश्मीरी स्टाइल भाई पनीर और रोगन जोश मुझे बड़ा अच्छा लगा यार खाने में यार। तो यह मुद्दा ये कि जो ये चटनी है ये कौन सी है, ये तो मैं देखी नहीं यार। हाँ भाई ओ पुदीने की चटनी है, पुदीने की हल्की हल्की मीठी मीठी कटी कटी। तो ये मुद्दा किसका भाई, पीसेस का, अब पीस खाने हैं यार भाई, मटन का रोगन जोश भाई, पीसेस बड़े बड़े हैं, बहुत प्यारे पीसेस हैं, कटिंग अच्छी कराई है जी, जो मर्जी बोलो आप यार, हैं ये तो हड्डी है, इधर मांस हैं, हड्डी है अबे मांस इधर है। ये रहा जी, ये रहा ये है स्वादिष्ट यार, बहुत स्वादिष्ट है भाई, कश्मीरी मटन कीमा बोले तो मत्स पड़ जा भाई, भाई साइज अच्छे हैं यार, नो डाउट साइज अच्छे हैं यार। अब ये है कि अंदर ये जूसी जूसी है या नहीं, देखो अब दिखाता हूँ आपको, ये देखा है भाई, काबिले तारीफ काम है जी, ये काबिले भाई, देखो हम भी बनाते ना ऐसा नहीं हो पाता मुझसे यार, सच में यार, क्योंकि बोलना आपसे यार। तो आ भाई ओ जबरदस्त, क्या फ्लेवर है, प्रॉपरली ग्राइंडेड है, प्रॉपरली यार, आओ देखो जैसा लग रहा है कीमा नहीं खा रहा हूं मैं रिश्ता खा रहा हूं, रिश्ते तो ना रिश्ते जूसी जूसी वाले, वैसे ही टेस्ट है, स्वाद यार भाई, रिश्ते भी रखते हैं, मैंने मंगवाया नहीं, मैंने ये मंगवाया कश्मीरी वाले स्टाइल है। तो आ भाई तेरी बारी भी हो गई है, अब मुद्दा जी साग और किसका, चिकन का, इसे खाते हैं लेग पीस के साथ।
अच्छा यार, बट टू बी फ्रैंक जितना मुझे ये एक दो तीन और चार इंप्रेस कर रहे हैं ना यार, उतने शायद ये नहीं कर पा रहे मेरे को। जखनी की ग्रेवी भी इंप्रेस कर गई, अभी पीस नहीं खाया मैंने, अभी देखूंगा कैसे खाना। तो जी हॉच पॉच तो बड़ा हो गया करेगा, मुद्दा ये ना यार, ओ पीस देखो यार, बड़े बड़ा पीस है यार यखनी का। यखनी तो नीचे नहीं बैठना, नहीं तो कहीं तो गुल मिल जाएगी उस साथ में। यखनी जबरदस्त है, बहुत टेस्टी है, पीस भी अच्छे रखे उन्होंने यार, वो नहीं है फालतू पीस नहीं है, अच्छे है पीस, मगर हड्डियां भी है और मांस भी है यार। तो जी सबका टेस्ट तो हो ही गया ना, अब यार मैं किंग की एंट्री कराता हूँ, अब देखता हूँ किंग के साथ क्या क्या फ्लेवर आने वाला है यार। तो जी करा दो किंग की एंट्री। अब यार मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं वन बाय वन करके ना किंग लेता हूँ यार, है ना, क्योंकि वो हॉश पॉश नहीं करना, पहले देखेंगे टेस्ट। सबसे पहले मेरी जान मेरा मटन रोगन जोश भाई, तेज पत्ते एज ए साइड में बेटे भाई। तो जी पीस अपने ये पड़े तो पीसों को भी इधर रखते साइड पे यार। अबे पहली बाइट भाई रोगन जोश की, ओ मुंह भर गया यार, क्या फ्लेवर है यार, किंग ने क्या टेस्ट दिया भाई मटन है रोगन जोश का भाई, स्वाद ही आ गया यार। और पीस भी सेट करते हैं पीस, तो जी मैं अब लेगा यखनी, मटन की यखनी भाई, क्योंकि इसका स्वाद ही भाई किंग के साथ आता है, किंग के साथ ऐसे नहीं आता। लजीज यार, लजीज भाई, इसका पीस भी लेके आते हैं जी बाइक के तरीके से। मटन बहुत प्यारा गला हुआ देखो यार, वाह, दही खट्टा नहीं है, नॉर्मल है, मेथी वगैरह धनिया कुरकुरिया बहुत टेस्टी भाई। आती है जी बारीक कश्मीरी मटन कीमे की, तो जी लियाओ कीमे को इधर इज्जत तरीके से। कीमे में ना वो बड़ी इलायची के दाने हैं, क्या फ्लेवर देते हैं, बट मुझे मटन रोगन जोश ज्यादा स्वाद आया यार, पता नहीं क्यों। भाई नेक्स्ट भाई कश्मीरी पनीर रोगन जोश की ग्रेवी जाएगी जी इसके अंदर। भाई इलायची तो बोरा ली उन्होंने यार, इलायची मसाले अच्छे यूज किए उन्होंने यार, फ्रेश मसाले यूज किए गए हुए हैं। बड़ी इलायची के दाने और दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। ले आओ पनीर के बिग बिग पीस को, इसमें पनीर अच्छी क्वालिटी का यार, बाकी कितनी तारीफ है, तारीफ हो रही है नहीं भाई, खाने को खाना अच्छा मिले ना और फ्लेवर है ना तो दिल खुश होता है और अपने आप तारीफ मुंह से निकल जाती है यार। आवे दमालू की ग्रेवी पड़ गया, आवे दमालू, मुझे दमालू कभी भी शादियों में ना अच्छे नहीं लगते, कश्मीरी जो शादियां होती हैं जिसमें दमालू बनते हैं या रोगजोश बनता है ना, मुझे नहीं पसंद उनका यार फ्लेवर अच्छा नहीं होता, बट जो इन्होंने बनाया ना यार मुझे यार बहुत अच्छा लगा यार, सच में यार, सच मतलब कि मैं भी शायद ऐसा नहीं बना पाता हूँ यार, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ यार, सच में मम्मी मेरी ऐसे बनाती हैं, अब तो वो बनाते नहीं है क्योंकि अब थोड़े बीमार रहते हैं यार, बट भाई उनकी रेसिपी भी ऐसी रहती है यार सच में। अगर मैं भी क्लाउड किचन स्टार्ट करूंगा ना, मैं मम्मी से बनवाया करूंगा दमालू वगैरह। तो जी पालक मटन और साग मटन भाई मैं ट्राई नहीं करूंगा भाई किंग के साथ में, क्यों वो मुझे ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया यार, टू बी फ्रैंक झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, क्या है भाई क्यों बोला आपके साथ झूठ बोला। तो जी अब मुद्दा कि समरी क्या निकल के आती है जी ओवरऑल जो मैंने आज ट्राई किया वो ये है कि टेस्ट अच्छा है नो डाउट, ठीक है क्वालिटी इज सुपर नो डाउट, बट रेट जो है ना वो थोड़े हायर एंड पे यार, बट जो बंदा टेस्ट का भूखा होगा ना यार आई थिंक उसके लिए ये फिर मैटर नहीं करेगा यार, मे बी मतलब ये मेरी सोच है यार, रेट हाई है बट पीसेस भी अच्छे हैं ना यार। हाँ पनीर का पीस आपने खुद देख लिया, इस पीस के तो कितने पीस निकाल लेगा कोई रेस्टोरेंट वाला कोई ढाबे वाला है ना, वो निकाल लेगा तो रेट वही लगा देगा फिर वो, तो ये बात ले देके घूम के ना फिर वहीं पहुंचती है यार। तो दोस्तों भाई ये थे अपने यम्मी फूड वाले अपने भाई भाई जिनसे हमने खाना मंगवाया, मुझे बड़ा स्वाद आया, बहुत टेस्ट लगा, आप भी जरूर ट्राई करना ठीक है ना, वो मुझे अपना फीडबैक भाई जरूर देना है यार। हाँ तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, हलवा भी तो खाना भी, अभी हलवा भी ट्राई करेंगे ना हम यार। भाई ये जी देसी क्यों वाला भाई हलवा ना भाई, ये कम्प्लीमेंट्री है ध्यान रहे चीज का। तो भाई ड्राई फ्रूट देखो यार, ओ भाई लजीज है भाई, जबरानजा हलवा भाई, जबरानजा भाई, इनको भी भाई पीछे करके इतना टेस्टी है। तो दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।